आए हैं लगता है, लाइट एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा किसी की शक्ल। दिवाली बहुत दूर है अभी। रोलिंग थोड़ा आगे ना, रोलिंग रोलिंग पिछले ना तुम्हारा। हां रोलिंग यार मैम, स्पेशल स्क्रीनिंग है आज हाईवे, एक सेल्फी आर पार। आपको जिस फिल्म का पार्ट है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये कहने को मराठी फिल्म है, पर मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड सिनेमा का हिस्सा है। इस तरह की कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस फिल्म का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को इस फिल्म में होना ही है। जब मैंने पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, स्पेनिश में हो, मराठी में हो, इटालियन में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। इसमें बेहतरीन कलाकार हैं, एक से एक मंझे हुए कलाकार हैं। चाहे आप डायरेक्टर को ले लीजिए जो कि उमेश कुलकर्णी है, राइटर है गिरीश कुलकर्णी जो एक्टर भी है, रेणुका शाहने है, हुमा कुरैशी है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। तो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट दे कंसीडर मी फॉर दिस। किसका बॉलीवुड के कई सारे लोग हैं जो लगातार, जैसे रितेश देशमुख की बात करें, महेश भूपति, जैसे लोग पहले ही मराठी फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आगे भी अगर मौका मिलता है तो रीजनल सिनेमा में फिल्म करना चाहेंगे इसी तरीके से? जैसे मैंने हमेशा कहा है और मैं कहूँगी कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कहानी। अगर कहानी में दम है उसकी भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई लोग तो वो भाषा बोलते हैं, और आजकल तो सबटाइटल्स के साथ दुनिया, सारी दुनिया देख रही है, हर तरह की फिल्में देख रही है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, और लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि खास करके जो हाईवेज पे घूमते फिरते हैं लोग, उनको इस कहानी से बहुत कुछ मिलेगा देखने को। फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? 28 को आ रही है ये फिल्म, 28 अगस्त को, प्लीज़ जाके हॉल में देखिए, छान फिल्म आए। आर्टिस्ट का एक और सवाल, जो यहाँ एक और FTI जैसा इशू है जो सॉल्व नहीं हुआ है, और अभी ऑस्कर जूरी में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर को एक मेंबर बना दिया गया है, तो किस तरीके से देखती है राजनीतिक जो इन्वॉल्वमेंट है बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में, उसको कितना सही मानती है? बहुत ही स्टूपिड चीज़ है, बेहद स्टूपिड चीज़ है। FTII में किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज़ रिडिकुलस। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स भी उस स्टूपिडिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अपना करियर बनाने आए हैं या क्या करने आए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। आई थिंक इज़ वेरी स्टूपिड। ऑस्कर जैसी जो अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे ऑस्कर जूरी जो इंडियन फिल्म्स को सेलेक्ट करती है, वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच किया, सेलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर, तो उसको इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक आर्ट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है आर्ट अपनी जगह पे, हम लोग कहानियाँ बताते हैं, हम लोग एंटरटेनर्स हैं, हम लोग जिंदगी के बोझ से दबे हुए लोगों को एक उम्मीद देते हैं, एक हैप्पीनेस देते हैं, एक वो हमारा काम है। तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देना, मतलब फिर आप वापस उसी चीज़ को नॉर्मल जिंदगी में गुजर रहे हो। आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। Thank you so much. Thank you all for coming. Sir, here.